हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंटरनेशनल बिजनेस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस टॉपिक में से हर साल मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं। पहले हमारे पास 3 पेपर होते थे, पेपर 1, 2 एंड 3। जो पेपर 2 होता था उसमें भी क्वेश्चन आते थे और पेपर 3 में भी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 2 पेपर रह गए हैं, पेपर 1 एंड 2, और 2 पेपर में से इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो मेरे हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको आज डिस्कस करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हमें ये बताता है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस किस तरह से स्टार्ट हुआ। जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसके बाद ये इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो एक्जिस्टेंस में आया। अब इस थ्योरी के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और कौन से ईयर में आई। तो मैंने आपको एक पूरा टेबल बना दिया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एक जगह पर मैंने आपको लिख के दे दी हैं नेम ऑफ थ्योरीज, दूसरी तरफ है गिवन बाय, मतलब कि इस थ्योरी को किसने दिया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। कोई भी थ्योरी हो सकती है, जैसे कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी, तो डेविड ने दी थी। तो आप इनको लर्न कर लीजिए। फिलहाल अगर आपको लर्न नहीं होता तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसके ऊपर नज़र ज़रूर मार के जानी है। आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरीज को। थ्योरीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज़ द क्लासिकल। क्लासिकल जो है वो कंट्री बेस्ड थ्योरीज हैं, और 2nd है मॉडर्न। मॉडर्न थ्योरीज जो है वो फर्म बेस्ड थ्योरीज हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लासिकल को डिस्कस करूँगी और जल्दी ही एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मॉडर्न फर्म बेस्ड थ्योरीज को डिस्कस किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी, दैट इज़ मर्केंटिज्म थ्योरी, जो कि mid-16 में आई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आर नेशंस वेल्थ डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड ट्रेजर्स गोल्ड एंड सिल्वर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री की जो वेल्थ है वो डिपेंड करती है उसके गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इम्पोर्ट जो है उसके ऊपर आप बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, टैरिफ लगा दो, कोटास लगा दो, इम्पोर्ट को बढ़ावा नहीं देना। कंट्रीज़ जो कि इस थ्योरी को फॉलो करती थी वो इम्पोर्ट को बढ़ावा नहीं देती थी। उनका फोकस होता था कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती थी उन्हें क्या प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती थी। सब्सिडीज का मतलब है कि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स कुछ प्रोवाइड किए जाते थे। मैं यहाँ पर थ्योरीज उतनी ही आपको डिटेल में समझाऊंगी जितनी कि आपकी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस थ्योरी में आपने एक तो याद रखना है कि ये कब आई थी, ये फर्स्ट थ्योरी है और ये हमारी क्लासिकल थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंगली कंट्री ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व करना है। जो ट्रेड करेंगे वो भी गोल्ड और सिल्वर के थ्रू ही ट्रेड करेंगे, और हमने क्या करना है, जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी है। ट्रेड थ्योरी होल्डिंग दैट नेशन शुड एक्यूमुलेट फाइनेंशियल वेल्थ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। आपने क्या करना है, कंट्री ने पैसा इकट्ठा करना है, और किस फॉर्म में पैसा इकट्ठा करना है, गोल्ड की फॉर्म में करना है, और इस बेसिस पर एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाता था और इम्पोर्ट को डिस्करेज किया जाता था।
नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरी आई, जो फर्स्ट थी वो सक्सेसफुल नहीं थी। अगर सारी कंट्रीज ही ऐसा सोचना शुरू कर दे कि हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सपोर्ट ही करेंगे दूसरी कंट्री को, तो ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद सेकंड थ्योरी आई, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। पहली जो थ्योरी थी उसमें कहा गया है कंट्री की वेल्थ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो। इसको चेंज कर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कहा गया कि अपने लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ध्यान दो। रियल वेल्थ ऑफ कंट्री कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू इट्स सिटीजन। एक कंट्री के नागरिक को जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, गुड्स अवेलेबल होंगी, उतना ही कंट्री की वेल्थ भी जो है वो अच्छी होगी। तो इस थ्योरी में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ध्यान दिया गया। तो याद रखिए, हम कर रहे हैं इंटरनेशनल थ्योरीज, जिसको कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंड मॉडर्न। जो क्लासिकल थ्योरी है वो कंट्री बेस्ड थ्योरी है। सबसे पहले मर्कनिज्म ने कहते हैं गोल्ड को इकट्ठा करो। सेकंड है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, जिसमें कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर ध्यान दो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने दी है ये थ्योरी, दी है हमें एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एज बेसिस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विल टेक प्लेस ओनली इफ ईच ऑफ टू कंट्रीज कैन प्रोड्यूस वन कमोडिटी एट एन एब्सोल्यूटली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट दैन द अदर कंट्री। यही जो पॉइंट है ना, सेकेंड पॉइंट, ये सारी थ्योरी का क्रक्स्ट है। इसमें ही सारा कुछ आ जाता है थ्योरी का। क्या कहता है ये पॉइंट, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ तभी एक्सचेंज कर पाएगी गुड्स को, तभी डील कर पाएगी, अगर एक कंट्री को कोई एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो कंट्री इंडिया और चाइना। चाइना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो सस्ते बनाएगी, कॉस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कम होगी, तो चाइना इंडिया को क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर चाइना ने इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिए। दूसरी तरफ इंडिया जो है उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, वो रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है चाइना को। तो इस तरह से उसने चाइना को रॉ मटेरियल मे भी किसी फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया, या फिर आप कह लीजिए जिसमें हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह है वो चाइना को प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड कर लिया। यहाँ पर मैंने एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। इसमें भी मैंने दो कंट्रीज़ ली हैं और दो प्रोडक्ट्स लिए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, कंट्री ए, कंट्री वन एंड कंट्री टू, दो कमोडिटीज़ है, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। जो कंट्री ए है वो अगर ए कमोडिटी को बनाती है तो उसको 10 रुपये का खर्चा आता है, ठीक है, और अगर बी कमोडिटी को बनाती है, बी प्रोडक्ट को बनाती है, ए को बनाने से 10 रुपये आता है और बी को बनाने से उसको खर्चा कितना आता है, 20 रुपीस का आता है। अब कंट्री ए को खर्चा कहाँ पर आ रहा है, कम, ए प्रोडक्ट बनाएगी तो सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आएगा। अब ए कंट्री को क्या चाहिए कि जिस कमोडिटी के केस में 10 रुपये का खर्चा आ रहा है वो कमोडिटी खुद मैन्युफैक्चर करे और दूसरी कंट्री को क्या कर दे, उसका एक्सपोर्ट कर दे। दूसरी तरफ हम बात करें कंट्री टू की, तो कंट्री टू बी प्रोडक्ट को सिर्फ 10 रुपये में बना रही है और ए को 20 में, यानी कि ए प्रोडक्ट उसको महंगा पड़ रहा है और बी प्रोडक्ट उसको सस्ता पड़ रहा है। तो जो प्रोडक्ट उसको सस्ता पड़ रहा है, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए कम है, उस प्रोडक्ट को सेकंड कंपनी मैन्युफैक्चर कर ले, उसका कर दे एक्सपोर्ट। क्लियर? तो बेसिक फंडा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में यही है कि जिस कंट्री को सामान बनाना सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कम आती है,
आप उसको बना लीजिए और दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दीजिए। इम्पोर्ट वो प्रोडक्ट कर लीजिए जो कि आपकी कंट्री में महंगा बनता है लेकिन दूसरी कंट्री में वो सस्ता बनता है। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में ट्रेड कर सकती हैं। थर्ड पॉइंट को भी डिस्कस करती हूँ। ही फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर नेशन। कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बना सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छे बना सकती है, इंडिया हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा अच्छे बना सकती है, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं हम। ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड नॉट बी रेगुलेटेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इस थ्योरी के अंदर कहा गया है कि मार्केट फोर्सेस जो है वो ट्रेड को अपने आप ही रेगुलेट कर देंगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी आप नेट के लिए पढ़ते हो तो आप थॉरली पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियोस जितनी भी होती हैं यूट्यूब पर आपको सिर्फ हेल्प दे सकती हैं, लेकिन अगर आप कहें कि सारा का सारा आप इसी के बेस पर पढ़ लो तो फिर आपके लिए क्रैक करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये वीडियोस देखो और ढेर सारे MCQs ऑनलाइन बैठकर सॉल्व करो तो आपके क्रैक करने के चांसेस जो हैं अच्छे रहेंगे। तो हमने यहाँ पर दो थेरीज डिस्कस कर ली है। आगे चलते हैं हम कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी के ऊपर। कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी जो है, सबसे पहले ये याद कर लीजिए, डेविड ने दी है इस थेरी को। और किस में दिया है, उनकी बुक का नाम भी याद कर लीजिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1871 में आई थी। और तो इस थेरी के अकॉर्डिंगली कुछ एजम्पशंस भी हैं इस थेरी में। थेरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग एजम्पशन। वन, देयर आर ओनली टू कंट्रीज एंड दे प्रोड्यूस टू गुड्स। सिर्फ दो कंट्रीज हैं और वो दो गुड्स को ही प्रोड्यूस कर रही हैं। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे होते हैं, कैपिटल, मशीनरी, लेबर, लेकिन यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ एक ही एज्यूम करके चल रहे हैं, दैट इज लेबर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट। जो हम मेजर करते हैं ना कि किस कंपनी ने सामान ज़्यादा महंगा बनाया है, तो हम लेबर की टर्म में बात करते हैं इस थेरी में। ऑल यूनिट ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे। तो कहते लेबर के जो यूनिट है वो क्या है, होमोजीनियस है, एक जैसे हैं। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जो है यहाँ पर लॉ एप्लीकेबल है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक मूव कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं, इन्हें ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऊपर नाम दे दिया जाता है, नीचे चार ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी एजम्पशन नहीं है, जब कौन कौन सी एजम्पशंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस ही फ्रेम होकर आते हैं। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर हमारा इस थेरी को एक्सप्लेन किया गया है, कंपैरेटिव एडवांटेज थेरी को। Even if country A had the absolute advantage in the production of both the products, specialization and trade could still occur between the two countries. यहाँ पर ये थेरी ये कहती है, पिछली थेरी में हमने क्या किया, एक कंट्री को एडवांटेज होगा, दूसरी कंट्री को डिसएडवांटेज होगा। जिसमें एडवांटेज है वो प्रोड्यूस कर लो, जिसमें डिसएडवांटेज है वो वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लो। अब सबके दिमाग में ये पॉइंट आया कि मान लो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स में अगर किसी कंट्री को एडवांटेज हो, कोई कंट्री है जो कि दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे बना सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अमेरिका जो है, मान लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर भी अच्छा डेवलप कर सकती है और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट भी बना सकती है। मान लो दोनों प्रोडक्ट बना सकती है, इसका मतलब क्या वो किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेगी।
अब इस क्वेश्चन के ऊपर जो है बहुत सारी रिसर्च हुई, तो एक नई थ्योरी आई, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, जो कि ये कहती है कि अगर एक कंट्री को दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अच्छा होल्ड है, एडवांटेज है, फिर भी वो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करेगी। कैसे? क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि किसी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा एडवांटेज होगा, किसी प्रोडक्ट के केस में आपको लेस एडवांटेज होगा। तो जिसमें आपको ज़्यादा एडवांटेज है वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए और एक्सपोर्ट कर लीजिए। यहाँ इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है माही। माही जो है वो लॉयर है, वकील है। अगर हु चार्ज $500 पर आर फॉर द लीगल सर्विसेज, अपने क्लाइंट से ₹500 पर आर $500 पर आर ले रही है, ठीक है। अब माही जो है उसका जो असिस्टेंट है जो कि टाइपिंग कर रहा है वो इतना अच्छी टाइपिंग नहीं करता, ठीक है, और उसको वो पे कर रही है $40 पर आर। माही जो है वो अच्छी लॉयर भी है और अच्छी टाइपिंग स्पीड भी है, दोनों में एडवांटेज उसको होगी। अच्छी लॉयर भी है और अच्छी टाइपिंग भी करती है, दोनों में एडवांटेज होगी, ठीक है। लेकिन वो दोनों काम नहीं कर सकती। अगर वो दोनों काम करेगी तो जो उसका मेन काम है उसके ऊपर दूसरे काम का इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो माही को क्या करना चाहिए? माही को क्या करना चाहिए कि जो उसका नया टाइपिस्ट है, जो उसका असिस्टेंट है, उसको चेंज कर ले। पहले ₹40 पर उसने हायर किया हुआ था, अब क्या कर सकती है, ज़्यादा पैसे देकर एक अच्छा असिस्टेंट जो है अपॉइंट कर ले, जो उसके लिए अच्छी टाइपिंग कर ले। तो इसमें क्या किया गया, दोनों में एडवांटेज थी लेकिन दोनों प्रोडक्ट में से सिर्फ वो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया जिसमें उसको ज़्यादा एडवांटेज थी। तो ये होती है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। दोनों प्रोडक्ट में एडवांटेज है लेकिन आप क्या कर लो, कंपैरिजन कर लो दोनों प्रोडक्ट में से, जिसमें ज़्यादा एडवांटेज है उसको आप सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो है उसमें क्या कहा गया है, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखा गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्ट को बनाने में आपको फैक्टर, फैक्टर का मतलब है लेबर, लैंड, कैपिटल, जिस प्रोडक्ट को बनाने में आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम यूज़ होते हैं उस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर लीजिए। जिसको बनाने में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उसको आप मैन्युफैक्चर ना कीजिए, उसको आप किसी और कंपनी के हाथ में दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए चाइना और इंडिया, दोनों में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर सबसे ज़्यादा चीप है, तो चाइना और इंडिया को क्या करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज लगाना चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव हो। तो चाइना और इंडिया में गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत हैं, ये दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाद मैं मॉडर्न थ्योरी के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूँगी और उस वीडियो के बाद हम इसी टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।